प्रदेश में एक नई राजनीति चल रही है। आपने नंबर वन हरियाणा का दिया नारा, लेकिन अब नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप की राजनीति चल रही है। आपको लगता है कि हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप विकास कर रही है? देखिए, जो बात कह रहे हैं नंबर वन हरियाणा, ये केवल नारा नहीं था, ये हकीकत थी। और कोई हमारे नहीं, जो जो भी आंकड़े थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जितने भी प्लानिंग कमीशन से थे, इसमें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर वन था। इसमें क्या दो रहे हैं, प्रगति करना है तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उनसे इनकम भी बढ़ेगी, नौकरी भी लोगों को देंगे। तो ये नारा नहीं था, ये असलियत है। नारा तो अब दे रहे हैं नॉन स्टॉप का, हाँ नॉन स्टॉप ये नारा दे रहे हैं, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप। एक्चुअली तो ये मारा हरियाणा इनने लगा दिया फुल स्टॉप, आगे कोई विकास नहीं। कहाँ जो नंबर एक था प्रति व्यक्ति आय में, वो आज किस चीज़ में नंबर एक है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, मेरे आंकड़े थोड़े हैं। जो कानून व्यवस्था में नंबर एक था बिल्कुल, वो किस चीज़ में आज है? मेरे आंकड़े नहीं है। जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, केंद्र सरकार का है, उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर कर रखा है कि मैं यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। खेल खिलाड़ी में जो नंबर एक था, आज खिलाड़ियों में क्या परिस्थिति हो रही है, उनको जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। नौकरियों की देख लो, कौशल रोजगार निगम लगा दिया, पक्की नौकरी की जगह ठेके की नौकरियां, जैसे डिजिटल लेबर चौक होता ना, उस प्रकार से सुबह जाओ कंट्रैक्ट पे लो, मतलब इतने पढ़े 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 लिखे बच्चों को भी कम तनख्वाह पे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी जब मर्जी लगा दो जब मर्जी हटा दो, भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया। और उसका नतीजा ही हुआ 2 लाख आज पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अभी चुनाव सर पे हैं तो ये लोग कह रहे हैं 50,000 भर्तियां हम लोग कर देंगे। तो अब तक सो रहे थे क्या? चुनाव देख के हो रहे हैं, लोग समझ चुके इन बातों को, समझ चुके जितनी भी उन्होंने भर्तियां निकाली हैं उसमें। आप देखो पब्लिक सेक्टर मिशन में देखो, करोड़ों रुपए दफ्तर में पकड़े गए उनके, मैंने तो वीडियो भी दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। और वीडियो नहीं दिया था, सॉरी वो दिया था उनका टेप, मैंने बताई थी जो उनकी कन्वर्शन ऑडियो। और उनके जो एसएस कमीशन का चेयरमैन को जाना पड़ा, ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसके एमडी के पास पकड़े गए, करप्शन के पकड़े गए। मतलब नौकरियां इस तरह बेची हैं जैसे परचून में दुकान बिकती है। तो